subscribe. Hi. Speed. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जसवंत, आप देख रहे हैं हाई स्पीड। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे जो राजस्थान सरकार ने अभी फिलहाल में 1000 रुपये देने के स्मार्टफोन के लिए घोषणा की है, तो उस योजना में वो पैसे हमें कैसे मिलेंगे। तो आपको पता ही होगा वो पैसे 2 किस्तों में मिलेंगे। पहले 500 रुपये जो डायरेक्ट हमारे भामाशाह में ऐड अकाउंट में आ जाएंगे, जो 21 सितंबर से पहले सभी राजस्थान के जितने भी भामाशाह अकाउंट हैं उस सभी में ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। बाकी रही दूसरी किस्त 500 रुपये की, तो वो कैसे आएगी, तो उसमें एक शर्त रखी गई है कि आपको एक भामाशाह एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और उसे रजिस्ट्रेशन करना है। तो वो कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बात और बता दूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपको जियो का फ़ोन खरीदना या फिर किसी और कंपनी का फ़ोन खरीदना है। अगर आपके पास पहले से कोई फ़ोन है, स्मार्टफोन, तो आपको एंड्रॉयड फ़ोन है तो आपको उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आप फ़ोन खरीदें या न खरीदें वो पैसे आपके खाते में आ जाएंगे। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप कोई फ़ोन खरीदें, जियो का खरीदें या कुछ भी, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, आपको डायरेक्ट आपके खाते में 1000 रुपये मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आते हैं हम अपने प्ले स्टोर में। यहाँ पर हमें टाइप करना है BHAMASHA भामाशाह, और यहाँ पे डायरेक्टली आपको किसी पर भी क्लिक नहीं करके डायरेक्ट सर्च करना है। आप जैसे डायरेक्ट सर्च करोगे तो वो ऐप ऑटोमेटिक आ जाएगा और इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। एक्सेप्ट, ये 7.41 MB का है, इंस्टॉल हो रहा है। अब हमें इसे ओपन करना है, हम इसे ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं इनरोलमेंट डिटेल्स, भामाशाह फैमिली डिटेल्स और भामाशाह कार्ड स्टेटस, मतलब किस स्थिति में है, और ये DBT। तो हमें करना है ऊपर यहाँ पे देखिए नीले कलर में यहाँ पे लिखा हुआ है साइन इन, यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करना है। जैसे ही साइन इन पे क्लिक करते हो तो आपको करना है यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा है इंटर SSID। अगर आपके पास SSID है तो आप डायरेक्ट लॉग इन कर सकते हैं। अगर आपके पास SSID और पासवर्ड नहीं है तो क्या करना है, तो आपको यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है नॉट हैविंग SSID, क्लिक हेयर पर आपको ओके करना है। और यहाँ पर मैं कर देता हूँ ब्राउज़र पर, तो मुझे इस क्रोम ब्राउज़र में मैं इसलिए नहीं चलाता क्योंकि क्रोम ब्राउज़र कभी कभी क्या है कि सेफ्टी ज़्यादा रखता है, तो इसलिए वो कभी कभी कोई वेबसाइट है उसे ओपन नहीं करता। तो आप ट्राई कर लीजिए, आपको SSO की यहाँ पे SSO.rajasthan.gov.in की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ जाके हमें ये SSID बनानी है। तो यहाँ पे ऑन हो रहा है फ़िलहाल, थोड़ा वेट कीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा राजस्थान सिंगल साइन ऑन 1। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ये पेज आएगा आपके सामने। देखिए दोस्तों, इसी पेज पे आना है आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है सिटीज़न और यहाँ पे नीचे देखिए कहीं लिखा हुआ होगा आधार या भामाशाह, तो आप आधार कार्ड से भी इसे अपनी आईडी बना सकते हैं, भामाशाह से भी बना सकते हैं, फेसबुक से भी बना सकते हैं, ट्विटर से भी बना सकते हैं, गूगल प्लस से भी बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको राय दूंगा कि आपको अगर आईडी बनानी है तो आप भामाशाह से बनाइए। मैं यहाँ पर भामाशाह कर देता हूँ और यहाँ पे आपको अपने भामाशाह नंबर डालने हैं। तो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ दोस्तों अपने भामाशाह कार्ड के नंबर, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे बड़े अक्षरों में लिखना है भामाशाह नंबर। PN मैंने अपने, और यहाँ पे गो पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे मैं अपना नाम चूज कर लेता हूँ जो भी मेरा नाम है, और इस पर सेंड OTP करता हूँ। तो ये OTP उस मोबाइल नंबर पे जाएगी जो आपके भामाशाह के अंदर दिए हुए हैं, तो मैंने यहाँ पे यस कर दिया। देखिए यहाँ पे लास्ट में आपको दिखा देगा कि इन नंबरों पे एक OTP गई है, आपको OTP डाल के और वेरीफाई कर देना है उसके बाद में। तो दोस्तों, आप जैसे ही वहाँ पे OTP टाइप करके और ओके करते हो तो आपको इस पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा और यहाँ पर आपको अपना नाम चूज करना है। जैसे आप यहाँ पर नाम दिखाएगा और यहाँ पर पासवर्ड डालना है, पासवर्ड क्या डालना है जो भी आपकी मर्जी हो आप यहाँ पे पासवर्ड डाल दीजिए। मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ।
और यहाँ पे आपको अपने मोबाइल नंबर डालने हैं। मैं यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर डाल देता हूँ और यहाँ पे आपकी जीमेल दिखाई दे रही है, आपको करना रजिस्ट्रेशन पर क्लिक। आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो आपको डायरेक्ट इसे लॉगिन पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको अपनी आईडी डालनी है और आईडी डाल के अपनी इस आईडी को अपडेट करना है। अगर आप अपडेट नहीं करना चाहते तो आपको डायरेक्ट ये यहाँ से काट देना है। यहाँ से काटने के बाद में आप फिर से जाओगे अपने प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में आने के बाद इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद में यहाँ पे अपनी SSID डालनी है, जैसे मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। और तो यहाँ पे आने के बाद में आपको आप अपने आईडी पासवर्ड डाल के इसे लॉगिन पे क्लिक करना है। तो ये देखिए यहाँ पे आप इस पेज पे आ जाओगे दोस्तों। इस पेज पे आने के बाद में आपका प्रोसेस पूरा हो चुका है। अब आपको क्या करना है, बैक जाना है और यहाँ पे लॉगिन करना है फिर से। तो दोस्तों अब आप यहाँ पे लॉगिन हो चुके हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस दोस्तों आपको यही करना है, अब और कुछ नहीं करना है। बस अब आपको इसे बैक कर देना है। स्मार्टफोन सेकेंड पेमेंट की जो प्रोसेस मैंने आपको यहाँ पे बताई, बस आपको यही प्रोसेस करनी है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया। तो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब हाई स्पीड स्पीड